कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटरमिनेंट्स का पार्ट नंबर 2 कराने जा रहे हैं। यानी इससे पहले हम इसका एक पार्ट करा चुके हैं जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है और बाकी माइनस और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स में ये दो टर्म्स होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती है हम पार्ट नंबर 1 में समझा चुके हैं। अगर उनको जानना चाहते हो तो पार्ट नंबर 1 में जाके एक बार देखिए। तो आज हम करवाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन डिटरमिनेंट्स और उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी कराने जाएंगे और इस पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ये है कि पहली प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। दैट मीन्स कि अगर रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ यानी अगर पंक्तियां पंक्तियों को कॉलम में बदल देंगे, पंक्तियों को कॉलम में यानी जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदल देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेगी वो इनअफेक्टिव रहती है, यानी कोई चेंज नहीं होता। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई ए है, मैट्रिक्स है ना, उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया है ना, तो उसकी वैल्यू होगी वही ए के ट्रांस बराबर होगी। ट्रांसपोज, अब सोच रहे ट्रांसपोज कहां से आ गया, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में करवा रखा है। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज बेसिकली यही होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो जो बनने वाली नई मैट्रिक्स होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं। तो एक तरह से हमने ये देखो पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियों में बदला है तो बस एक तरह से यही कर दिया हमने, ट्रांसपोज बना लिया फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई डिटरमिनेंट हमारा 2, 3, 1, 4 है, ये हमारे पास, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे क्या होगी इसकी, मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 माइनस कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 × 3, तो वैल्यू होगी 8 − 3 दैट इज 5 आ जाएगी। और अगर हम इसको वैलिड करना है, अब हमें इसको समस्त पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में यानी इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। यानी 2, 3 क्या है, ये एक रो है और एक रो है, तो इस रो को मैं कॉलम में बदल दूंगा, तो कॉलम में बदलूंगा 2, 3 है तो 2, 3 ऐसे हो जाएगा, यानी जो रो है कॉलम में बदलेगी तो जो लेटी हुई है वो खड़े में आ जाएंगे, तो 1, 4 है वो ऐसे खड़े में आ जाएंगे, 1, 4 आ जाएंगे। ये हमने कर दिया, ये कर दिया हमने, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते देखते हैं इसके बराबर आती है नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 × 4 − 3 × 1 हो जाएगा। देखो ये भी 8 − 3 = 5 आ रहा है, देखो नो चेंज हो रहा है ना, दोनों का डिटरमिनेंट सेम रह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 2 × 2 के लिए कराए, आप 3 × 3 का भी, आप 3 × 3 या 4 × 4 किसी का भी कर सकते हैं। तो मैं अभी बाद में न्यूमेरिकल इनको एक साथ लेके पहले एक बार प्रॉपर्टीज करवा देता हूँ, हल्का समझा देता हूँ, उसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल लूंगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हम। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि सारणिक में 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परिवर्तित करते हैं तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी 2 पंक्तियां हैं उनको आपस में इंटरचेंज करें, यानी है ना, या फिर कॉलमों को आपस में इंटरचेंज करें तो सारणिक की जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू सेम रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है लेकिन जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। दैट मीन्स अगर सारणिक की वैल्यू 2 आ रही होगी तो अगर इंटरचेंज करने के बाद फिर चिन्ह बदलने के बाद क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया सारणिक 1, 2, 3, 4 ये मान लिया मैंने, ये मैंने ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मान लिया है ना, ये हो गया। तो मैं इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 2 से समझाऊंगा, बाद में न्यूमेरिकल एक साथ कराऊंगा तो वो काफी मजेदार होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 4 − 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 − 6 दैट इज -2 आ गया, इसकी वैल्यू -2 आ गई। अब मैं इसका यूज करता हूं, मैं देखता हूं कि इसके इसमें क्या है, 2 पंक्तियों स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर देते हैं, यानी आपस में पंक्तियों को परिवर्तित कर दो, क्या कर दें, पंक्तियों को परिवर्तित कर दें या स्तंभों को। तो पहले मैं पंक्तियों को परिवर्तित करके दे देता हूं, तो पंक्ति कौन सी है, एक तो ये रो है और एक ये पंक्ति है, तो मैं ये आपस में ना, ये एक तो ये पंक्ति आ गई, एक पंक्ति आ गई, स्तंभ ये वाले होते हैं, तो मैं अगर इनको परिवर्तित कर दूं, यानी जो ये नीचे वाली उसको मैं ऊपर पहुंचा दूं, ऊपर वाली को नीचे कर दूं, तो ऐसे हो जाएगा 3, 4, 1, 2, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 2 − 1 × 4, देखो ये क्या हो गई 6 − 4 दैट इज इक्वल टू 2, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही 2 लेकिन चिन्ह बदल गया, इधर माइनस आ रहा था तो इधर प्लस आ गया। तो अब ये हमने इसमें रो इंटरचेंज किया, हम कॉलम को भी देख लेते हैं, देखें कॉलम में होता भी है नहीं, तो कॉलम देखते हैं एक बार, 4 रो 4 कॉलम, यानी कॉलम को, कॉलम क्या होते हैं, कॉलम ये होते हैं, तो पहले 1, 3 आ रहा है, बाद में 2, 4 आ रहा है, तो मैं 2, 4 को पहले लिख लेता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ ना, 2, 4, 1, 3, अब निकालता हूँ क्या वैल्यू आ रही है, यार ये 2 × 3
माइनस वन इंटू फोर, ये भी देखो 6 माइनस फोर बराबर 2 आ रही है। देखो जो वैल्यू थी उसके सेम आ रही है, लेकिन जो चिन्ह है वो चेंज आ रहा है। सो अगली प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उनका मान जीरो होता है। सर्वसम का मतलब सेम हो, यानी कि सारणिक दे रखा होगा, डिटरमिनेंट दे रखा होगा, उसमें दो रो सेम आ रही हो या दो कॉलम सेम आ रहे हो तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 1 2 3 1 2 3 2 6 4, ये मान लिया। अब देखो इसमें ये रो लो ये रो लो, ये दोनों सेम आ रही है ना, इधर भी 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो देखना इसकी वैल्यू जीरो आएगी। आप सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करा नहीं रहा, बाद में न्यूमेरिकल कराऊंगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो 1 2 3 2 2 3 और 6 2 3। अब इसमें देखो, इसमें क्या, इसमें देखो कॉलम दोनों सेम आ रहे हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। आप निकाल सकते हैं, मैंने निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं। So, अगली प्रॉपर्टी की यदि सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो नए सारणिक का मान पहले वाले सारणिक का, नए वाले सारणिक का मान पहले वाले सारणिक और वो जिस संख्या से गुणा किया है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने ये सारणिक मान लिया, डिटरमिनेंट मान लिया, ये मान लिया 1 2 2 3 4 6 7 8 9, ये मान लिया, तो ये सारणिक है। अब इसमें किसी एक पंक्ति, तो मैंने पंक्ति या स्तंभ कोई भी ले लो, मैंने पंक्ति ले ली, मान चलो पंक्ति ले ली, थर्ड वाली रो ले ली, थर्ड रो ले ली, इसको मैंने किससे गुणा कर दिया, इसको मैंने कर दिया 2 3 6 एज इट इज रहेंगे, इसको मैंने कर दिया सभी अवयवों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करो तो 7 × 2 कर दिया सबको, 8 × 2 और ये क्या है 9 × 2। अब इसको एक बार ढंग से लिख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं 1 2 4 2 3 6 और इनको मल्टीप्लाई करो तो ये 14 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 हो जाएगा और 9 × 2 = 18 हो जाएगा। तो जो अब ये नया डिटरमिनेंट बन गया, देखो ये नया डिटरमिनेंट बन गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी पता है किसके बराबर होगी, वो होगी नए सारणिक का मान पहले वाले सारणिक, यानी पहला वाला सारणिक इस ये वाला इसके और जो संख्या से गुणा किया है, किससे गुणा किया हमने 2 से किया, उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। दैट मींस कि पहला वाला सारणिक ये रहा 1 2 4 2 3 6 7 8 9 और इस सारणिक और जो जिस संख्या से गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो इसके बराबर होता है। यानी जो हमने किसी संख्या को किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया सारणिक जो बनेगा ना, उस सारणिक का मान पुराने वाले सारणिक और जिस संख्या से गुणा किया उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। दैट मीन्स कि अगर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी सारणिक में किसी संख्या से गुणा करें तो वो अंदर किसी भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगा ना। जब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, या इससे हो जाएगी, या इससे हो जाएगी, इससे भी मान लो, मैंने मान लो इससे मल्टीप्लाई हो गई, इससे मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ जाएगी, देख लो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या से गुणा करते हैं डिटरमिनेंट में तो वो किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगली प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक को किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दैट मींस कि कोई डिटरमिनेंट दे रखा होगा और उसमें कोई भी पूरी रो, सभी रो, यानी किसी रो के सभी एलिमेंट या कॉलम के सभी एलिमेंट में ऐड हो रहा हो, कोई चीज ऐड हो रही हो, तो उसको है ना, उस डिटरमिनेंट्स को 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट्स के ऐड के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे ये है डिटरमिनेंट 1 + 2, इधर है 3, इधर है 4 है, इधर है 2 + 6 3, 6 5 है, ये 3 + 2 1 6 सपोज करो। तो इसमें देखो ये कॉलम है, ये वाला कॉलम है, तो इसमें कॉलम का सभी एलिमेंट में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना। दो या देखो ये लिख रखा है किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग, यानी अभी तो 2 का योग है, 2 का योग आ रहा है, तो हम इसको क्या ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि इस, तो जो इस डिटरमिनेंट होता है उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में, यानी 2 में इधर एलिमेंट ऐड हो रहे थे, 2 सारणिक बन जाएंगे और उनको कैसे व्यक्त कर सकते हैं उनके ऐड के रूप में, यानी कोई 2 सारणिक होंगी और उनका ऐड करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, हम व्यक्त कर सकते हैं। और कैसे ट्रांसफॉर्म होगा ये काफी लंबी प्रोसेस है, तो इसको मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट कराऊंगा जो आगे ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगे तब। अगली प्रॉपर्टी में बेसिकली ये समझा रखा है कि कोई डिटरमिनेंट होगा उसमें अगर एक रो में दूसरी रो को घटाएंगे ना, दूसरी रो को किसी भी चीज से गुणा करके घटाएंगे तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो इंटरचेंज नहीं रहती। या कॉलम ले लो, अगर किसी एक कॉलम है उस कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को किसी संख्या से गुणा करके घटाएंगे तो उसके जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, ये 1 2 3 2 1 3 3 1 2, ये दे रखा है हमारे पास डिटरमिनेंट, है ना, ये हमें ए डिटरमिनेंट दे रखा है ना। अब मैं बोला है कि किसी भी अवयव मतलब रो में, किसी रो में दूसरी रो को किसी भी संख्या से गुणा करके घटाऊं तो चेंज नहीं रहता,
तो अगर मैंने मान के चलो मुझे घटाना है 1, 2, 3 है, अब मुझे करके घटाना है दूसरी में घटाना है पहली को, किससे गुणा करके 2 से गुणा करके घटाना है, तो 2 माइनस, अब इसमें घटाऊंगा मैं इसको किससे गुणा करके 2 से गुणा करके घटाऊंगा, तो 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा, ऐसे ही 1 माइनस इसको घटा लू ना, इधर लिख लेता हूं इसको कैसे लिखते हैं, सपोज करो कि मुझे घटाना है, अब मुझे घटाना है कि आर टू यानी ये कौन सी है 2 है दूसरी रो, तो आर 2 हो जाएगा, आर 1 हो जाएगा, ये आर 3, तीसरी हो जाएगा ये सी 1 हो जाएगा, ये सी 2, ये सी 3, तो आर टू में चेंज करना है, जिसमें भी चेंज करना है वो उधर लिख लेते हैं, और आर टू में क्या चेंज करना है, आर टू में करना है मुझे, आर टू में क्या घटाना है मुझे, 2 आर 1 यानी आर 1 को 2 से गुणा करके घटाना है। अब ये लिखा है किसी अचर गुणा से घटाने पर, एक रो या कॉलम को किसी दूसरी रो में से घटाने पर किसी भी संख्या से गुणा करके चेंज नहीं रहता, तो मैं ये करूंगा, मैं इधर लिख लेता हूं, मैं लिखूंगा 1 तो चेंज नहीं होगी 1, 2, 3, और ये थर्ड भी चेंज नहीं होगी, थर्ड एसिटिस रहेगी, चेंज कौन सी होगी 2, क्योंकि 2 चेंज कर रहे हैं, 2 कैसे चेंज होगी, आर 2 यानी आर 2 मैंने ले लिया, 2 ले लिया, पहला ले लिया 2, उसमें क्या घटा लू 2 × r1 यानी 2 × r1, आर 1 क्या 1 है, तो 2 माइनस 1 × 2 क्या 1 × 2 हो जाएगा, ऐसे नहीं है कि 2 ले लें और इधर से ये वाला 2 ले लें, संगत एलिमेंट ही घटाने हैं, तो इधर क्या है R2, अब इसका कंप्लीट हो गया, अब इसकी प्रोसेस करेंगे तो R2 आ रहा है, इधर R2 आ रहा है, तो 1 माइनस 2 × r1, इसके ऊपर क्या है R1 पहले है, ये वाली R1 है, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट ये होगा, तो -2 × 2 ऐसे ही हो जाएगा, 3 माइनस 2 × 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 3 एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 6, ये भी हो जाएगा -3, हो जाएगा 3, 1, 2। अब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही इसके बराबर आएगी, इसी जो ये डिटरमिनेंट है इसके बराबर इसकी वैल्यू आएगी, नहीं चेंज कोई नहीं फर्क पड़ता। सो अगली प्रॉपर्टी है कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे रखा है कि या तो किसी सारणी को डिटरमिनेंट दे रखा है उसके, या तो सभी रो 0 हो, मतलब किसी रो के एक रो के या दो रो कितनी भी हो, कम से कम एक रो तो होनी चाहिए, एक रो के सभी एलिमेंट 0 हो, या एक रो के सभी, एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। फॉर एग्जांपल इसका देखो, इसमें एक मैंने R2 है, ये दूसरी रो है, इसके सभी एलिमेंट 0 है, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे 0 आएगी। और फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, इसमें ये पहला है C1 है, पहला कॉलम है, तो पहले कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। यानी किसी भी एक कॉलम, किसी भी मिनिमम एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो, या मिनिमम एक रो के सभी एलिमेंट 0 हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। सो अगली प्रॉपर्टी है कि त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूं मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कि भाई त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, इनमें मेन डायगोनल होता है, ये वाला मेन डायगोनल होता है, क्या होता है ये वाला होता है ना, ये मेन डायगोनल होता है, तो उसके एक तरफ वाले एलिमेंट सभी 0 होते हैं, बाकी दूसरी तरफ वाले कुछ ना कुछ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मेन डायगोनल है, इसके एक तरफ, इस डायगोनल के एक तरफ तो सभी 0 और दूसरी तरफ कुछ ना कुछ है। अब ये भी मेन डायगोनल आ गया, देखो ये क्या आ गया, मेन डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण, अब उसके एक तरफ तो 0 है, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ हो, तो ये क्या आ गया, ये ऊपर की तरफ आ रहे, तो ऊपरी त्रिभुज आकार, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, सभी तरफ सॉरी इसमें सभी तरह जो संख्या है वो सभी नीचे आ रही, ऊपर तो सब 0 है, तो निम्न त्रिभुज आकार हो गया है ना, और ये क्या आ गया ऊपरी त्रिभुज आकार, क्योंकि ऊपर वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली इसमें ये दरकार है कि ऐसा कोई आ जाए जिसमें मेन डायगोनल की एक तरफ तो एलिमेंट सभी 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होगा, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक एफ हो गया, यानी इनका गुणनफल क्या हो जाएगा इसके डिटरमिनेंट के बराबर, A × D × F, दैट इज एडीएफ हो जाएगा। अब इसमें देख लो, इसमें देखो एक मेन डायगोनल की दूसरी तरफ सभी एलिमेंट 0 है, सभी एलिमेंट 0 यानी एक तरह से ये त्रिभुजाकार आव्यूह हो गया, तो त्रिभुजाकार आव्यूह को, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे डायरेक्ट वो पूरा करने की जरूरत नहीं, कैसे निकल जाएगी, मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है 1 है, और एक 2 है, और एक 3 है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। सो अगली प्रॉपर्टी है कि यदि कोई सारणिक एक्स का बहुपद और उसमें एक्स बराबर ए रखने पर उसकी वैल्यू यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रही हो, तो एक्स माइनस ए क्या होगा, सारणी का एक गुणनखंड होता है। मैं ऐसा कह रहे हैं, इसमें कहने का मतलब है कि कोई सारणिक होगा है ना, एक्स 2, 3 एक्स है ना, अब सपोज करो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6 होगी वैल्यू है ना, तो अब मुझे पता है कि x में कुछ संख्या है x बराबर a रखने पर, यानी x से ज्यादा कोई संख्या रखने पर उस सारणी की वैल्यू 0 रही हो, तो जो होता है ना x माइनस है वो उसका बहुपद होता है। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 6 है, अब इसमें x बराबर मैं क्या रखूं, x बराबर √3 रखूं, सॉरी √6 रखूं, पुट x बराबर √6 यानी x बराबर a, एक जगह √6 रखूं, तो यहां पे √6 का स्क्वायर
माइनस सिक्स रूट सिक्स स्क्वायर सिक्स हो जाए, सिक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, यानी मुझे पता चल रहा है कि एक्स बराबर रूट सिक्स रखने पर इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तो एक्स माइनस ए होगा ना, उसका एक गुणनखंड होगा, तो एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस ए क्या है रूट सिक्स, एक्स माइनस रूट सिक्स इसका एक गुणनखंड होगा, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी साइन की वैल्यू आएगी उसको एक्स माइनस रूट सिक्स से गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख के बताते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना, तो इसको लिख सकते हैं एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस रूट सिक्स। देखो जो एक्स बराबर हमने रूट सिक्स रखा था यहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही थी, तो एक एक्स माइनस ए बन रहा था, एक्स माइनस रूट सिक्स बन रहा था, देखो ये गुणनखंड के रूप में लिखते हैं ना हमने, एक्स माइनस रूट सिक्स आ रहे, देखो उसकी वैल्यू को पूरे डिफाइन करें, बेसिकली ये मतलब है इसका कि आप समझ गए होंगे, पर फिर भी एक बार दोबारा से बताता हूं मैं कि कोई x का बहुपद यानी x के फॉर्म में बन रहा हो तो x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखो कि उसकी वैल्यू जीरो हो रही हो, जैसे x बराबर रूट सिक्स रखा, x बराबर रूट सिक्स रखा जीरो हो रही है, यानी कि जो अब हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इसकी वैल्यू होगी ना उसमें x माइनस ए यानी x माइनस रूट सिक्स जरूर आ रहा होगा मल्टीप्लीकेशन में, देखो ये आ रहा है बाद में हमने सिंप्लीफाई किया, तो इट इज क्लियर। सो अगली प्रॉपर्टी है कि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योगफल जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रखा है कि हमें दे रखा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी भी सभी अवयवों को, है ना, किसी है ना अवयव ले लिया हमने, और फिर हम लेंगे दूसरी पंक्ति के संगत सेकंड, संगत सेकंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योगफल जीरो होता है। मैंने मान लिया ये रहा, ये मैंने सपोज कर लो ये पहली रो ले ली, मैंने क्या ले ली पहली रो ले ली, पहली पंक्ति ले ली, उसको मैंने गुणा किया उसके संगत संगत सहखंडों से, लेकिन दूसरी पंक्ति के, तो पहली पंक्ति आप दूसरी पंक्ति क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसके इसके हो जाएंगे, इनके हो जाएंगे, दूसरी पंक्ति आ गई इनके सेकंड के हो जाएंगे टू वन हो जाएगा, क्योंकि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो का पहली एफ टू वन ये सेकंड को डिनोट करता है सेकंड, प्लस अब दूसरी मैंने पहली पंक्ति का दूसरा वो ले लिया एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा ए वन टू हो जाएगा, उसको मैंने क्या गुणा किया उसको संगत सेकंड, यानी उसका संगत क्या हो जाएगा उसके संगत या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, लेकिन हमें लेना है उसके अलावा दूसरी रो का लेना है, तो उसके अलावा दूसरी रो का मान चलो मैंने इसका ले लिया एफ टू टू प्लस ए थ्री, अब इसके संगत क्या हो जाएगा इसका ले लूंगा मैं तो एफ थ्री टू थ्री हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी एक रो को लेते हैं प्रॉपर्ली एक रो या कॉलम को लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरी रो के सेकंडों से या कॉलम के सेकंडों से, तो जो नेट उनकी जो एडिशन होता है जो जोड़ होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि और एक ये चीज भी होती है कि भाई अगर ए वन वन है इसको हमने इसी के संगत यानी इसी के सेकंड से गुणा किया, इसका सेकंड क्या हो जाए एफ वन वन, पहली पंक्ति पहले रो से हमारा है, प्लस ये ए वन टू है इसको इसी के संगत यानी एफ वन टू सेकंड है, सेकंड निकाला मैंने सिखा दिया है, प्लस ए वन थ्री को एफ वन थ्री से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट के बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी इसी की वैल्यू, इसके पूरे के वैल्यू के बराबर आ जाएगी। कट ऑफ डिटरमिनेंट यानी इससे पहले हमने पहले चैप्टर नंबर थ्री में मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सीखा था, अब इसमें डिटरमिनेंट का सीखे भाई इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो एक तो मेथड ये होता है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, है ना प्रॉपर, और फिर इसकी भी निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखते ये होता है, एक ये होता है कि जो इसका एलिमेंट है पहला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, तो ए वन इंटू बी वन हो जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ये वाला एलिमेंट किससे हो जाएगा इस वाले एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है, ए टू इंटू बी थ्री हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब यहां मिटा देंगे हमने ये कंप्लीट कर लिया, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा ये वाला है ना, इसको एक बार मिटा देते हैं, अब फिर अब इसके बाद नीचे वाली रो में करेंगे तो ये वाला एलिमेंट है ना इस वाले से हो जाएगा, यानी इस तरफ का एलिमेंट इस तरह पहले वाले से हो जाएगा, तो ए थ्री इंटू बी वन हो जाएगा प्लस आ जाएगा ये वाला एलिमेंट किससे होगा स्टूडेंट ऑब्वियसली इससे होगा, तो ए फोर इंटू बी थ्री हो जाएगा, ए फोर इंटू बी थ्री हो जाएगा, अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखो मैंने इस इन दोनों को सबसे गुणा कर दिया, अब मैं इस वाले पाऊंगा, तो ऐसे ही सेम टू सेम ये प्रोसेस लगाई थी, इस वाले में भी ये लगाऊंगा, इसको मैं कससे करूंगा इस वाले से, इसको मैं इससे गुणा करूंगा, ए वन इंटू बी टू हो जाएगा, ए वन इंटू बी टू हो जाएगा प्लस आ जाएगा, इस वाले को मैं कससे करूंगा इस वाले को मैं इससे गुणा करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा ए टू इंटू बी फोर हो जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको करेंगे ए थ्री को किससे करेंगे, ए थ्री को करेंगे इससे गुणा, ए थ्री इंटू बी टू हो जाएगा प्लस ए फोर को किससे करेंगे, ए फोर को करेंगे हम बी फोर से, ए फोर इंटू बी फोर, बी फोर, अब इनको पता है अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए वन बी वन प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी थ्री, और इसको क्या हो जाएगा ए थ्री बी वन प्लस ए फोर बी थ्री, और इसको करेंगे तो ए वन बी टू प्लस ए टू ये क्या रहा था ए टू बी फोर आ रहा था ए टू बी फोर, ए टू बी फोर, और ये आ रहा था ए थ्री बी टू
प्लस ए फोर पी फोर, ये वैल्यू आ रही थी। अब इसके आप निकाल सकते हैं, वैल्यू ऐसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। अब हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगातार कराएंगे। सो अब यहां से स्टार्ट होता है आपकी प्रैक्टिस वाइज, जो हमने करा है वो कैसे अप्लाई करें, कैसे सीखें, अब यहां से प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। सो कि हमें प्रूव करना है, क्या करना है कि ये डिटरमिनेंट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये वाली हमें लानी है। मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लानी है, ये लानी है। तो हम पहले LHS ले लेंगे, LHS से हम RHS लाएंगे। LHS क्या दे रखा है, 1 1 1 YZ ZX X Y Y plus Z Z plus X X plus Y, ये दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने पढ़ा था कि अगर एक रो में, एक रो या कॉलम में दूसरी रो या कॉलम को गुणा करके घटाऊंगा तो कोई जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो मैं आराम से घटा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो इधर 1 1 आ रहा है, तो मैं पता है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 0 आ सकता है, अगर घटाऊंगा तो 1 को 1 से घटाऊंगा 0 आ जाएगा, इसको भी घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये क्या है, ये पहली रो है, ये क्या है, ये दूसरी रो या तीसरी रो, यानी R2 में घटाऊंगा। मैं R2 में क्या करूंगा, R2 माइनस R1, यानी R2 में R1 घटा दूंगा, यानी इस वाली रो में ये R2 रो है, ये कौन सी रो है, R2 रो है, ये कौन सी, R1 रो, ये R3 रो, यानी इस वाली रो में मैं ऊपर वाली रो को घटा दूंगा। तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे तो एक बार 0 आ जाएगा ना, तो बाकी आप अपने आप समझ जाना, भी समझ जाएंगे देखना। और एंड क्या करूंगा, एंड में इस वाली रो में भी इसको घटा दूंगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा 0 आ जाएंगे ना, जितना ज्यादा 0 आ जाएंगे उतनी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो R3 में क्या करूंगा, मैं R3 में चेंज करूंगा, R3 में मैं घटाऊंगा R1 घटा दूंगा, R1 घटा दूंगा। तो अब देखो घटाओ, R1 तो चेंज नहीं हो रही, R2 और R3 हो रहे, R1 तो एज इट इज रहेगी, 1 YZ Y plus Z। अब मैं R3 में क्या घटा रहा हूँ, R2 में R1 घटा रहा हूँ, R2 क्या है, R2 में 1 है, 1 तो 1 R2 ऐसे, जो R2 है वो सब ऐसे कैसे रख दो, अभी तो पहले एक बार जैसी वो होती है उसको एज इट इज रख लिख दिया करो, है ना। अब देखो अब क्या हमें दे रखा है, अब हमें दे रखा है भाई कि ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1, यानी R2 ये ली, उसमें R1 घटाने, यानी R1 ये वाला आ गया, R1 क्या गया, ये आ गया, तो इसमें से इसको घटा दूंगा, ऐसे ही इसमें से ऊपर वाले को घटा दूंगा YZ, ऐसे ही Z प्लस X में से माइनस Y प्लस Z घटा दूंगा, ऐसे ही R3 में क्या करना है, R3 में से भी R1 घटाना है, R3 ली उसमें से ऊपर वाले घटाना है, तो 1 माइनस 1 XY माइनस ऊपर वाले घटाऊंगा तो माइनस YZ, ऐसे X प्लस Y माइनस ऊपर वाले घटाऊंगा तो Y प्लस Z, Y प्लस Z आएगा। अब इसको मैं एक बार इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, तो 1 YZ Y प्लस Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Y प्लस Z हो जाएगा। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से Z कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, Z कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, X माइनस Y बच रहा है, और इसमें भी देखो इसमें से Z प्लस X माइनस Y माइनस Z, तो Z से Z कट जाएगा तो क्या बचेगा, X माइनस Y बचेगा, क्या बचेगा, X माइनस Y बचेगा, है ना। अब इसमें देखो ये 0 हो रहा है, और इसमें से देखो Y कॉमन आ रहा है तो X माइनस Z हो जाएगा, Y कॉमन आ रहा है तो X माइनस Z हो जाएगा, और इसमें से देखो वाई से वाई कट रहा है तो अंदर क्या बच रहा है, X माइनस Z बच रहा है, क्या बच रहा है, X माइनस Z बच रहा है, ये बच रहा है। अब मुझे पता है, अब मुझे क्या पता है कि किसी डिटरमिनेंट में से मैं अगर कोई भी चीज निकाल लूं, अगर कोई भी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में किसी भी एक संख्या को निकाल लूं तो वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसमें से मैं क्या X माइनस Y कॉमन आ जाएगा, X माइनस Y कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी X माइनस Z कॉमन आ जाएगा, X माइनस Z को माना जाएगा, तो अंदर X माइनस Y निकाल रहे तो जहां से X माइनस Y निकाल रहे वहां से X माइनस Y हट जाएगा, सभी से निकाल दें, YZ YZ Y प्लस Z। अब मैंने X माइनस Y यहां से निकाला था तो मैं X माइनस Y का डिवाइड कर दूंगा तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर डिवाइड करूंगा तो इधर X माइनस Y हट जाएगा, इधर हट जाएगा तो 1 बचेगा। अब इधर से क्या निकाला था, इधर से मैंने X माइनस Z निकाला था तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें यहां से X माइनस Z निकाला तो इधर Y बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा। अब मैं एक बार इसको मिटा के इधर वापस लिख देता हूं, इस चीज को एक बार मिटा देता हूं, तो मेरे पास क्या गया, X माइनस Y आ गया, X माइनस Y आ गया और Y माइनस Z आ गया, सॉरी X माइनस Z आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा, 1 है, 1 को अब ये देखो बन गई, तो मैं क्या इसको मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करूंगा, इसको करूंगा 1 एज इट इज लिख दूंगा, है ना, एज इट इज लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 by 2 की रूम में, 1 है, 1 को लिख लिया मैंने, बाकी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये वाला बचा, तो क्या लिख दूंगा मैं, Z1 Y1, और बाकी देखो बाकी दोनों 0 आ रहे हैं तो बाद में -0 into कुछ भी करेंगे 0 हो जाएगा, +0 into कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने पहले सॉल्व करने का बताया था कि इनको लेते हैं, ये लेते हैं, फिर माइनस ये लेते हैं, फिर प्लस ये वाला लेते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, सेम रहता है वैल्यू। मैंने बताया था ना इंटर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, मान चलो मैं इसको इंटरचेंज करके 0 0 को ऊपर पहुंचा दूंगा, वैल्यू तो सेम रहेगी, ऊपर पहुंच जाएंगे तो अपने आप ही इधर 0 0 आ जाएगा, इधर Y Z इधर नीचे आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
तो इसकी वैल्यू इनकी तो जीरो हो जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड इंटू वन इंटू क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब देखो एक्स माइनस वाई आ रहा है, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या अंदर आ जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस बार आ गया, और अंदर क्या बच रहा है, वन इंटू जेड माइनस वाई करें तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। अब ये माइनस वन में इस अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, या फिर इसमें से माइनस माइनस वन कॉमन निकालूंगा तो ये क्या जाएगा माइनस वन है, और यहां से ही माइनस वन निकालूंगा तो दो माइनस वन हो जाएंगे, तो इधर क्या जाएगा वाई माइनस जेड, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई आ गया, और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, आर एच एस, आर एच एस, ये हमारा सिद्ध हो गया, हमने यही सिद्ध करना था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है हमें, किस वैल्यू के लिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी जिसके लिए वैल्यू जीरो होती है। तो पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे कि एक रो को है ना ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो कर सके, तो मैं करूंगा कि ये आर वन है, ये आर टू रो है, ये आर थ्री रो है ना, तो मैं करूंगा आर टू में चेंज करूंगा, आर टू में क्या करूंगा, आर टू में आर वन घटा दूंगा, और साथ ही साथ R3 में भी मैं क्या कर दूंगा, R3 में भी R1 घटा दूंगा, यानी जिसमें चेंज करते हैं वो आगे आती है, उसके बाद तीर का निशान, फिर जो जिसमें चेंज करें वही संग वही आती है, माइनस दूसरी वाली जो जिसमें से रो या कॉलम में से घटा रहे हैं वो आ जाते हैं किसी भी संख्या से, मैं माइनस वन से गुणा करके करता हूं, तो क्या हो जाएगा, एज इट इज, एज इट इज, अब एक्स माइनस टू ऐसे रहेगा, टू एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस फोर, अब आर टू माइनस आर वन, यानी इसमें इसमें घटा रहे हैं x माइनस फोर माइनस ये करना है, तो क्या कर देंगे r2 टू एज इट इज, इसमें क्या करें r1 घटा दे, यानी माइनस x माइनस टू, ऐसे ही ये इधर टू एक्स माइनस नाइन माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और इधर क्या थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन, थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन माइनस क्या कर देंगे थ्री एक्स माइनस फोर कर देंगे। अब ऐसे ही r3 में भी क्या करें r1 घटा दे, तो r3 थ्री एज इट इज माइनस r1 यानी x माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और ये क्या थ्री एक्स माइनस सिक्सटी फोर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू हमें जीरो दे रखी है, इसकी वैल्यू में क्या दे रखी है जीरो दे रखी है, तो मैं इसको एक बार इधर लिख देता हूँ, तो एक्स माइनस टू एज इट इज, एक्स माइनस टू एज इट इज, ये क्या टू एक्स माइनस थ्री, और ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर हो जाएगा। अब इसको घटाओ, एक्स माइनस फोर माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू के बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस फोर प्लस टू क्या हो जाएगा माइनस टू, आप समझ आराम से कर सकते हो, तो टू एक्स माइनस नाइन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो माइनस नाइन प्लस थ्री क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन माइनस थ्री एक्स प्लस फोर हो जाएगा, तो थ्री एक्स से थ्री एक्स कट जाएगा, माइनस सिक्सटीन प्लस फोर क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, ऐसे ही इसमें एक्स से एक्स कट जाएगा, ये माइनस एट है ये क्या है प्लस टू है, तो माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, ऐसे टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा, माइनस ट्वेंटी सेवन ये प्लस थ्री है, तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा, ऐसे थ्री एक्स से थ्री एक्स कट जाएगा, माइनस सिक्सटी फोर है प्लस फोर है, तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा, सिक्सटी हो जाएगा। अब देखो अब हम सॉल्व करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं, तो देखो इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से देखो दो कॉमन निकल रहा है, इस समय से ये जीरो के बराबर है, क्या निकल रहा है कॉमन दो कॉमन, माइनस टू कॉमन निकल रहा है, और इसमें से सिक्स क्या निकल रहा है सिक्स कॉमन, सॉरी इधर माइनस सिक्सटी आएगा, इधर माइनस सिक्स कॉमन निकल रहा है, तो मैं माइनस टू इंटू माइनस सिक्स, यानी इसमें से माइनस टू कॉमन निकाल लिया, इस वाली रो में से इसमें से माइनस सिक्स कॉमन निकाल लिया, ऐसे चलने दूंगा, तो एक्स माइनस टू टू एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स माइनस फोर है ना, ये अब इसमें से माइनस टू कॉमन, मैंने माइनस टू कहां से कॉमन निकाला इसमें से, तो माइनस टू का डिवाइड कर दूंगा तो इधर वन आ जाएगा, इधर माइनस टू का करूंगा तो थ्री आ जाएगा, इधर माइनस टू का करूंगा तो सिक्स आ जाएगा, अब इधर से माइनस सिक्स निकाला है, माइनस सिक्स निकाला है तो इधर डिवाइड करूंगा तो वन, इधर करूंगा तो फोर, इधर करूंगा तो टेन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है। अब ये माइनस टू इंटू माइनस सिक्स ट्वेल्व हो जाएगा, इधर जीरो तो नीचे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर जीरो हो जाएगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक बार मिटा देता हूँ, एक बार यहां से यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, इसको मैं आगे इधर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा इंटू, अब देखो अब मुझे और सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं कैसे करूं, चलो अब यहीं आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू क्या करेंगे इंटू करेंगे, ये वाला ले लिया तो ये हट जाएंगे, इन दोनों को ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा टेन इंटू थ्री माइनस सिक्स इंटू फोर, क्या करेंगे टेन इंटू थ्री माइनस सिक्स इंटू फोर, अभी आप समझ गए होंगे, और माइनस क्या करेंगे माइनस करेंगे ये ले लेता हूं मैं, क्या चलो ये लेता हूं माइनस टू एक्स माइनस थ्री ले लेता हूं, यानी एक बार इसको ले लिया फिर इसको प्लस माइनस रेंडमली चलते रहेंगे, माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा
इनटू करेंगे तो ये लिया है ना मैंने, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, बचेगा क्या 16 और 110, तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे और घटा देंगे, तो 1 × 10 − 1 × 6 करेंगे। अब प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3x − एक बार यहां से हल्का सा मिटा देता हूं, ओ सॉरी क्या इधर x − 2 है, इधर क्या 1 1, क्या 1 1 है, तो प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे 3x − 4 करेंगे क्योंकि ये वाला लेंगे, इंटू क्या करेंगे इंटू करेंगे ये वाला ले रहे हैं तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा क्या ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं 1 × 4 − 1 × 3 × 4 − 1 × 3 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है मैं 0 दे रखी है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, 12 को डिवाइड कर देंगे पूरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 12 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x − 2 और ये क्या हो जाएगा 10 × 3 हो जाएगा 30 − ये हो जाएगा 24, दैट इज 6 हो जाएगा, −2x − 3 और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 − 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, +3x − 4 + 3x − 4 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 − 3 क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको आराम से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x − 12 − 8x + हो जाएगा 12 + 3x − 4 बराबर 0 आ गया। अब देख लो 6x + 3x क्या 9x और −8x, 9x − 8x −12 + 12 − 12 − 4 = 0 = 0 −12 से −12 कट जाएगा, 9x − 8x क्या आ जाएगा सिर्फ x आ जाएगा, x − 4 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अगर यहाँ पे ओमेगा क्या है, क्यूब रूट है, तो बेसिकली हमें इससे पहले ओमेगा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भाई ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा की प्रॉपर्टी हमें पता है, क्यूब रूट है तो ओमेगा की प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, फिक्स हमें पता ये होती है। ये निकाला है डेरिवेशन है आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, आप पढ़ेंगे आगे जाके तो आप अपने आप समझ जाओगे। और एक होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है 1 + ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू क्या होती है, होती है 0 होती है, ये क्या होती है 0 होती है, तो हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो बेसिकली हम ओमेगा क्यूब की जगह पहले 1 रख लेते हैं, ओमेगा क्यूब की जगह जहां जहां वहां 1 रख लेते हैं, तो 1 ओमेगा क्यूब है तो 1 है, 1 रख दूंगा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहने दूंगा अभी, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख दूंगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर ओमेगा आ जाएगा, आ गया ना ओमेगा, ये इधर ओमेगा स्क्वायर है सॉरी, और इसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी सिंपल कर सकता हूं, या तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर लूं या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दूं। तो पहले मैं ऑपरेशन लगाता हूं एलिमेंट्री, तो मैं क्या करूंगा, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, R1 R2 R3 है, तो मैं क्या करूंगा R1 में क्या कर दूंगा, सॉरी R2 में चेंज करूंगा, R2 में मैं क्या कर दूंगा, R2 में R1 घटा दूंगा, अगर ये घटा दूंगा तो ये दोनों सेम आ रहे तो यहाँ पे दोनों तरफ 0 आ जाएगा, तो मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी पड़ेगी। तो घटाने के बाद देखो क्या होता है, घटाने के बाद क्या आता है, मुझे आता है और R2 में R1 घटा दूंगा, एंड क्या करूंगा, एंड R3 में क्या कर दूंगा, मैं R3 में R1 जोड़ दूंगा, R3 में क्या कर दूंगा, मैं R1 जोड़ दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है, अब हम करेंगे तो एज इट इज चलेगा ये, सॉरी थोड़ा छोटा करते हैं जिससे अगले स्टेप में आ जाए, तो एज इट इज चलेगा, तो R1 में तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो R1 एज इट इज आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब R2 में क्या करूंगा, R2 में R1 घटा रहा हूं, तो इसमें मैं इसको घटा रहा हूं, यानी इसमें घटा रहा हूं मैं इसको, तो 1 − 1 क्या जाएगा 0, 1 − 1 0, अब इसमें घटा रहा हूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा ω − ω² हो जाएगा, ω − ω² हो जाएगा। अब तीसरा R3 में क्या कर रहा हूं, R3 में मैं इस वाली जो रो है इसमें मैं इसको जोड़ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 + ω² हो जाएगा, 1 + ω² हो जाएगा, ऐसे इसमें इसको जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + ω हो जाएगा, 1 + ω, ऐसे इसमें जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 + ω² हो जाएगा, 1 + ω² हो जाएगा, ये समझ गए यहां तक। अब आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं, इधर एक बार इधर से सॉल्व करता हूँ, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब मुझे पता है कि 1 + ω² है, तो यहां से मैं 1 + ω² की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, 1 + ω² की निकाल सकता हूँ −ω, और क्या निकाल सकता हूँ मैं यहां से 1 + ω की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, मैं −ω² निकाल सकता हूँ। 1 + ω² की वैल्यू चाहिए तो मैं ओमेगा को इधर भेज दूंगा तो −ω, अगर मुझे 1 + ω की चाहिए तो ω² को इधर भेज दूंगा तो −ω², तो बस यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 1 ω² 0 0 और ω − ω² 1 + ω² की जगह मैं क्या लिखूंगा −ω, क्या लिखूंगा −ω, और इधर 1 + ω की जगह क्या लिख दूंगा मैं −ω² है ना, और इधर 1 + ω² और 1 + ω² की जगह लिख दूंगा मैं −ω, −ω लिख दूंगा,
बस अब यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद आप सोल्व कर सकते हैं। वन एज इट इज है ना, इसको लूंगा मैं, इसको लूंगा ना, और इसके बाद इसको लूंगा तो ये छोड़ दूंगा, बाकी ये बचे इनको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। माइनस क्या करूंगा मैं, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ये। और फिर अब मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा माइनस लगा के, माइनस वन इंटू इसको लिखा तो ये डॉट डॉट लगा दिया, हट गया, तो बचा क्या, ये वाली और ये वाली, ये वाली, ये वाली बची, तो मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जीरो माइनस ये क्या है, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या करूंगा, इंटू करूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर इंटू करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ओमेगा स्क्वायर ये है तो मैं ये डॉट डॉट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, डॉट डॉट, तो ये हट जाएंगे, ये ओमेगा स्क्वायर ले रहे तो ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, बची क्या, ये बची और ये बची, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा जीरो को ओमेगा स्क्वायर से करूंगा, जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो करूंगा, जीरो माइनस जीरो करूंगा, जीरो माइनस जीरो जीरो होता है, जीरो को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो ही हो जाएगा। एक बार इसको इधर, अब एक बार इसको मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ, वन इंटू, अब इसको सॉल्व करूंगा तो वन इंटू क्या करूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस से गुणा चल रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा से करूंगा तो ओमेगा क्यूब, और इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर चार हो जाएगा, माइनस वन इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जीरो प्लस, जीरो प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा को ओमेगा से करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा क्यूब, माइनस ओमेगा क्यूब, माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ओमेगा की, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू इसको लिख सकता हूं मैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। हमने एक बार हल्का सा मिटा दिया तो वापस हम लिख देते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर फोर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन दे रखी है तो मैं इधर वन लिख दूंगा, माइनस ओमेगा क्यूब को क्या, ओमेगा की पावर फोर को क्या लिखूंगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह वन रख दूंगा, क्या लिख दूंगा, वन लिख दूंगा। तो बस यही करते जाना है मुझे और अपने आप आंसर आते जाएगा। तो वन और ओमेगा क्यूब वन होता है तो वन इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। तो अब आगे इसको सॉल्व करूंगा तो वन और वन क्या हो जाएगा, टू माइनस, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ ना, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी माइनस वन आएगी, क्या आएगी, माइनस वन आएगी। तो मैं यहाँ पे टू माइनस, यहाँ पे माइनस वन रख दूंगा इसकी जगह, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, थ्री, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, थ्री वैल्यू आ रही है। सो तो आज का लेक्चर कैसा लगा, बाकी के जो वीडियो है, बाकी के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम पार्ट थ्री में लाएंगे, और उस पार्ट थ्री में काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें काफी टफ क्वेश्चन भी लिए जाएंगे और जो जेई से भी रिलेट करते हैं, नीट से भी रिलेट करते हैं, उसके अलावा आरबीएससी बोर्ड में भी काफी सारे नीट, सीबीएसई बोर्ड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जो आप पार्ट थ्री को देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो और बाकी जो पार्ट थ्री में बनाएंगे वो काफी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, काफी सारे कराए जाएंगे। सो बी रेडी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।